कल 1 अप्रैल 2022 को हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल का बर्थडे 56th बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसमें कल सुबह 9:30 बजे लॉर्ड वीरभद्रेश्वर टेम्पल को जाके दर्शन लेकर उसके बाद लेट श्री बसवराज पाटिल साहब की समाधि को जाकर वहां से माणिक नगर मंदिर को जाके दर्शन लेकर वहीं से ब्लंट स्कूल को जाकर वहां बच्चों से मिलकर वहां फ्रूट वगैरह देकर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेल्थ कैंप और मरीजों को फुट किट देंगे। उसके बाद सबजेल जाकर वहां पर भी कैदियों को फुट किट देंगे। उसके बाद 5:30 बजे राजराजेश्वरी टेम्पल का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में वहां पर जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है वहां पर आएंगे। वहां का जो कार्यक्रम है वहां पर सामाजिक पेशवा गुरु लोग भी वहां पर आने वाले हैं और उसमें महाराष्ट्र के मिनिस्टर मनसाड़े साहब भी आने वाले हैं और हमारे कार्य अध्यक्ष श्रीमान ईश्वर खंडरे जी भी वहां पर आने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट के सभी लीडर्स भी वहां पर आने वाले हैं और हमारे क्षेत्र के हमारे एमएलए साहब के जो अभिमानी लोग हैं हम उनको भी अपील किए हैं कि वो उस प्रोग्राम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाए। हमारी अपेक्षा है कि वहां पर करीब 12,000 से 15,000 लोग वहां पर आएंगे। वहां पर जो प्रोग्राम वहां लोगों को खाने का इंतजाम किए हैं और इंटरटेनमेंट में हम जो है ना वहां पर जो मशहूर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के गायक हैं श्री राजेश कृष्णन और उनके साथ पूरा ग्रुप आने वाला है। वो करीब 4 घंटे प्रोग्राम चलने वाला है। लोगों से हमारी अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और एंटरटेनमेंट का मजा लें और साथ ही हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल को अपना आशीर्वाद दें। ये हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे अभिमानी बड़गा की तरफ से हम तमाम लोगों को विनंती करते हैं कि अपील करते हैं कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बनाए, ये बर्थडे प्रोग्राम जो है इसको कामयाब बनाए। 18 से 21 तक नहीं हुआ। 18 में एमएलए इलेक्शन था उसकी वजह से नहीं हुआ। 19 को यानी सादे टाइम पे करे थे नहीं हुआ, मीन्स ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। 19 को एमपीरिया इलेक्शन था, 20 को कोरोना था और 21 को भी कोरोना था। इसलिए 2-4 साल से ये मुसलसिल जो है ना सादे टाइप में यानी कम तादाद में बर्थडे बराबर सेलिब्रेशन करे, मगर ज्यादा इतना बड़ा बर्थडे कभी भी ये नहीं करे इन 4 सालों में। इससे पहले जो था ना इस बराबर करते आए हैं। इस बार भी एक लोगों को गेट टुगेदर भी होता है, लोगों से मुलाकात भी होती है, हमारे लोकप्रिय नेता राजशेखर पाटिल से मुलाकात भी होती है, उनको जो है ना लोग बुजुर्ग और उनके भाई ये क्षेत्र के तमाम लोग माएँ बहनें तमाम से हमारी गुजारिश है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 5 बजे राजराजेश्वरी ग्राउंड को आकर इस बर्थडे सेलिब्रेशन को कामयाब बनाए। मैं इतने अपील करते हुए मैं आपको अपनी बात खत्म करता हूँ।